महाराष्ट्र में 3 दिनों तक चली सियासी उठापटक के बाद आखिरकार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के विशेष सत्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुने हुए नए विधायकों का स्वागत करती नजर आई। नए विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। विधानसभा भवन के गेट पर सुप्रिया सुले एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस समेत दूसरे दलों के विधायकों का स्वागत करती नजर आई, लेकिन उनके स्वागत में सबसे खास लम्हा अपने चचेरे भाई अजीत पवार के गले लगना और उसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे को गले लगाकर आशीष देना था। अजीत पवार से गले लगाकर सुप्रिया सुले ने उनका स्वागत किया और कहा कि जिंदगी में कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे, कभी खट्टा मीठा चलता रहता है, ये उनका ही घर है, ऐसे में स्वागत करने जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सुप्रिया सुले ने पूर्व सीएम और महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे अहम चेहरा बन चुके देवेंद्र फडणवीस का भी स्वागत किया और उनसे मुस्कुराते हुए बात की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस भी खुश दिखे और सरकार जाने का दुख उनके चेहरे पर नजर नहीं आया। बता दें कि शनिवार को जब अजीत पवार ने पाला बदलते हुए देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी तो हर कोई चौंक गया था। बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कई विधायक हैं और उनके पास बहुमत है, लेकिन मंगलवार को पूरा गेम वापस पलट गया और अजीत पवार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि शिवसेना के राजनीतिक इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है कि कोई शिवसेना नेता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा।